तो फाइनल हो ही गया कि कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। टीकाराम जूली का नाम फाइनल हो चुका है और इससे जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि कांग्रेस के असली आला कमान कौन है, ये भी पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। आला कमान वो नहीं जिन्हें आप देखते हैं, जिनका चेहरा आप जानते हैं, आला कमान वो है जो पर्दे के पीछे से सारे के सारे फैसले लेते हैं। एक बार फिर से पायलट पर गहलोत भारी पड़ ही गए। जी हाँ, सही सुना आपने, और सचिन पायलट के साथ हुई सारी नाइंसाफियों की हदें पार कर दी है कांग्रेस के आलाकमान ने, और किस तरह से गहलोत ने किया ये हाईजैक, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से हम जो चर्चाएं पहले भी करते आए हैं वही चर्चा एक बार फिर से छिड़ी है, वही बहस एक बार फिर से छिड़ी है कि आला कमान असल में है कौन, वो जिन्हें हम देखते हैं या फिर वो जिनके फैसले से ये प्रूव हो जाता है कि कौन है असली आला कमान कांग्रेस में। देखिए चेतना, इस बात को हमें समझना होगा कि असली आला कमान कौन है। ये चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस को एक अहम चुनाव करना था नेता प्रतिपक्ष का, और कांग्रेस ने सारी हार, सारी विफलताएं, सारे रिजल्ट देखने के बावजूद वही फैसला किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लोकसभा चुनाव इतने करीब हैं, राजस्थान में आप शिकस्त अपनी देख चुके हैं, और ऐसे हाल में आप फिर गहलोत गुट और पायलट गुट करने में लगे हुए हैं। जिस पायलट ने आपको जीत दिलाई थी, 21 सीटों से 100 सीटों पर पहुंचाया था, सरकार बनाई थी, आपने उनकी एक तो उनको राजस्थान से आपने बाहर किया कुछ भी पद देकर, और उसके बाद भी आप जिसे नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं वो टीकाराम जूली पूरी तरह से गहलोत गुट के। अब इससे ये साफ होता है कि अगर आपको पिछड़ों को आगे लाना था तो क्या आपके पास मुरारी लाल मीणा नहीं थे? अगर आपको पिछड़ों को आगे लाना था तो आपके पास और ऑप्शन नहीं थे? आपके पास यंगस्टर्स के ऑप्शन मुकेश भाकर जैसे थे, सचिन पायलट कैंप से आपके पास पूरे ऑप्शन होने के बावजूद आपने वहां बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और आपने टीकाराम जूली को चुना। टीकाराम जूली को चुनने के पीछे आप अपना लॉजिक ये दे रहे हैं कि जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं हमने भी उस क्षेत्र से चुना। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश की गई है, दलित समाज को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन इन कोशिशों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? लेकिन वो तो बात है, वो तो अशोक गहलोत गुट के हैं और वो साफ है उस बात पर, लेकिन एक बात समझने वाली जो है कि भाजपा एक्सपेरिमेंट कर सकती है क्योंकि उनके पास बहुमत है। कांग्रेस किस बिना पे एक्सपेरिमेंट कर रही है? कांग्रेस को हराया है मुख्यमंत्री गहलोत ने, यह कांग्रेस को पता होना चाहिए। जिस आदमी ने हराया है आप उसी के गुट से ला रहे हो, और कहीं ना कहीं आप आज भी सचिन पायलट को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, जब आपको पता है कि न सिर्फ राजस्थान में बल्कि आपके पूरे इंडिया अलायंस तक में जो सबसे लोकप्रिय और सबसे एक्सेप्टेड नेता है वो सचिन पायलट ही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसी हरकतें करना, और अभी जो कांग्रेस के लिए चंदा कलेक्शन का काम चल रहा है उसमें भी सबसे अच्छा काम सचिन पायलट ही कर रहे हैं या उनके लोग ही कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये अभी तक भी अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में ये तो मजबूर करना हुआ कि भाई अभी मिलिंद देवड़ा ने छोड़ा, अब तुम भी छोड़ दो, क्या यही कहना चाहती है कांग्रेस आला कमान? ये कहीं ना कहीं सोचने और समझने वाली बात। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो एक तरफ तो कार्यकर्ताओं से खाली होती जा रही है कांग्रेस, दूसरी तरफ आप अपने सबसे कर्मठ और ईमानदार नेता और नेता के साथ जो समर्थक रहते हैं उनको कोई तवज्जो नहीं देते हैं, कोई इज्जत नहीं देते हैं, कोई मान नहीं देते हैं, और एक बार फिर से वही करते हैं जो करते आए हैं। देखिए, रिपीटेशन की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, जब ये सीमा टूट जाएगी तो आगे क्या, आगे का ऑप्शन इन्होंने खाली छोड़ रखा। और आप किस तरीके से विधानसभा में टीकाराम जूली सत्ता पक्ष का सामना करेंगे ये समझने वाली बात है, क्योंकि ना तो उनके पास बोलने की वो कला है। हाँ ठीक है, उन्होंने प्रश्न बहुत लगाए थे, ये एक उनका अचीवमेंट मानते हैं तो अलग बात है, लेकिन वो क्या वो सचिन पायलट की तरह बोल सकते हैं या फिर क्या वो गोविंद सिंह डोटासरा की तरह भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ऐसे में क्या किरोड़ी लाल मीणा या गजेंद्र सिंह खिमसर या फिर
जो और दिग्गज नेता बीजेपी में है, क्या वो उनको झेल पाएंगे? और कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान को जो इन्होंने साधने की कोशिश की है, दलित समाज को साधने की कोशिश की है, आपको क्या लगता है कि कोशिश साकार हो पाएगी? क्योंकि पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा का भी अच्छा खासा दबाव। मैं आपको और दर्शकों को भी अगर ये सवाल पूछे, आप भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि लोकप्रियता किसकी ज्यादा है। अगर आप पूर्वी राजस्थान कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आप किरोड़ी लाल मीणा और टीकाराम जुली को कंपेयर कर रहे हैं, ये किसी कंपैरिजन के मोहताज है क्या? मतलब टीकाराम जूली कहाँ टिकते हैं किरोड़ी लाल मीणा की लोकप्रियता के आगे, या फिर उन्हीं की पार्टी में देखे तो सचिन पायलट की लोकप्रियता के आगे उनसे तो कई ज्यादा लोकप्रिय मुरारी लाल मीणा है। तो कोई कंपैरिजन है नहीं। और आप सब भी अगर कमेंट करें तो करें कि किस तरीके से टीकाराम जूली को चुनना, कहते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह के खास है, भंवर जितेंद्र सिंह का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? पहले से ही नुकसान झेल रही कांग्रेस का ये एक्सपेरिमेंट कितना फायदेमंद हो सकता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये भी आप हमें जरूर। कांग्रेस के लिए विरोध और बढ़ेगा, बहुत सीधी सी बात है। कांग्रेस में युवाओं का विरोध बढ़ेगा, सचिन पायलट के समर्थकों का विरोध बढ़ेगा। उनका साफ तौर पर कहना होगा कि अभी तक तो बुरा कर ही रहे थे, अब जब हार गए उसके बाद भी सचिन पायलट को नहीं छोड़ा, और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की लोकप्रियता और कम हो जाएगी। तो ये अभी अगर 60-65-67 के आसपास पहुंचे हैं तो ये अगली बार 20-22 भी आ जाए तो बड़ी बात है, अगर ये क्रमशः ऐसे डिसीजंस लेते रहेंगे तो। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि जब गहलोत और सचिन पायलट दोनों को राजस्थान से बाहर कर दिया है, तब भी गहलोत जी अभी भी फैसलों में कहीं ना कहीं बिल्कुल दिल से सम्मिलित हैं। इसमें इसमें समझने की जरूरत, चेतना ये है कि आखिर ऐसी मजबूरी क्या है कांग्रेस आलाकमान की, कि जानते हुए, बूझते हुए, समझते हुए, देखते हुए कि इन वजहों से हम हार रहे हैं, उन्हीं वजहों के सरगना के टीम मेंबर्स को आप आगे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, कोई ना कोई मजबूरी तो होगी। और ऐसे में अगर एक धड़ा, एक तबका ये कहता है कि सुपर आलाकमान बनने वाले पूर्व सीएम गहलोत आलाकमान को कोई फेवर करते होंगे, तो वो क्या गलत कहता है? और अगर ये फेवर भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना सत्यानाश किया है वो और ज्यादा करती जा रही है, इस डिसीजन को देखकर ये लगता है। और अगर ये डिसीजन का पैटर्न इनका है तो 2024 में क्या डिसीजंस लेंगे इसका भगवान ही मालिक। जी सही कहा आपने बिल्कुल, कि 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया है। अब ये एक्सपेरिमेंट उन पर कितना भारी पड़ने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सचिन पायलट के साथ जो नाइंसाफी की सारी हदें इन्होंने पार कर दी है, इसका खामियाजा समझना हमें ये पड़ेगा कि इसमें नुकसान जनता का हो रहा है। आप देखिए, कांग्रेस अगर लगातार ऐसा काम कर रही है कि वो कम होती, खत्म होती, पूरी तरह से मिट जाए, तो उससे नुकसान हमारा ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, और उसमें वो खुद ही अपोजिशन अपने आप को खत्म करने में लगा हुआ है। तो जब अपोजिशन बचेगा नहीं तो पूरी तरह से केवल भाजपा वाली सरकार हो जाएगी है, और वन पार्टी सरकार, फिर हम मोनार्की की तरफ चले जाएंगे। तो एक सशक्त अपोजिशन की भी जरूरत है, एक अच्छे ऑप्शन की भी जरूरत है, जो नहीं दे रहा खुद कांग्रेस। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि किरोड़ी लाल मीणा बहुत तैयारियां कर रहे हैं, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है बहुत जल्द, तो उन तैयारियों को देखते हुए टीकाराम जूली किस तरह से प्रिपेयर होंगे कांग्रेस की तरफ से टीकाराम जूली करने के लिए? कांग्रेस को बहुत बड़ा टीका लगाने वाले हैं, और आप ये समझिए कांग्रेस की सक्सेस को एक बहुत बड़ा टीका लगाने वाले हैं, क्योंकि ये जो टीका होगा वो इस तरीके से लगेगा कि अब कांग्रेस वापस उठ नहीं पाएगी। अब ये टीका काला होगा या लाल ये तो वक्त बताएगा आने वाला, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं आपकी क्या है राय हमारे इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा आपको विश्लेषण ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय रखना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा।
यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहां पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।